नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह और आज इस हमारे ऑनलाइन क्लास में हम विजय जी के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल शीट्स के बारे में। और गूगल शीट में हम डिस्कस करेंगे उसके फंक्शंस के बारे में। तो गूगल शीट खोलने के लिए क्या करें, सबसे पहले तो हम जाएंगे ड्राइव में अपने। ड्राइव में जाने के बाद हम जाएंगे न्यू, या फिर कोई पुराना फाइल है तो लेटेस्ट यूजेस फाइल आपको यहां मिल जाएगा, उसी पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको इस तरह के खिलेगा व्यू मोड में, आप ओपन भी गूगल सीट करें तो ये गूगल सीट में ओपन हो जाता है। अब इसमें हम वन बाय वन अपने फंक्शंस के बारे में डिस्कस करें। तो सही इंसर्ट में फंक्शंस, तो फंक्शंस को कैटेगरी के हिसाब से करेंगे तो सही रहेगा, राइट सर? ओके सर। तो कैटेगरी के हिसाब, क्योंकि अल्फाबेटिक में दिक्कत हो जाएगी, कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे। तो आज हम लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर, ओके सर। हम बात कर रहे हैं अब लॉजिकल फंक्शंस के बारे में। तो लॉजिकल फंक्शंस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन सारे फंक्शंस के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यू स्टार्ट करते हैं हम इफ फॉर्मूले से। तो इफ फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आईडी और यहाँ पे हमारा नेम है, और नेम के बाद एड्रेस वेड्रेस और भी कुछ हो सकता है, फिलहाल हम नेम लेके चलते हैं। तो डेटा एंट्री करते समय हम लिखते हैं वन और नेम देते हैं पूजा, फिर लिखते हैं नीरज और यहां पे टू लिखते हैं। तो ये जो टू है, मैं चाहता हूं कि ऑटोमेट होना चाहिए, ये ऑटोमेटिकली टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ले ले। जैसे कि मैं यहां पे मान लीजिए टीना करूं, एंटर मारू तो थ्री ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि इसमें पहले वन कर देते हैं और सीरियल नंबर नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। नहीं, मुझे पहले से सीरियल नंबर नहीं चाहिए, ठीक है सर, इसमें मैं प्लस वन करूं और यहां पे ड्रैग करूं, ऐसा सिस्टम ना। जैसे हम यहां पे ड्रैग कर दिया, पूजा लिखूंगा, सर पूजा लिखी तो ये नहीं आया, नहीं आया ना सर? नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अपने इफ फॉर्मूले को। तो इफ फॉर्मूले में यहां देंगे कि इफ ये सामने वाले वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब यहां पे हमने ग्रेटर देन जीरो क्यों किया? ग्रेटर देन जीरो करने का पर्पस था जीरो से बड़ा, क्योंकि ब्लैंक सेल जो है वो जीरो कहलाता है, जीरो। ब्लैंक सेल को जीरो समझता है, ठीक है? ओके सर। तो यहां पे ऐसा हुआ तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दे, अदरवाइज वो ब्लैंक को ब्लैंक ही रखे और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर। अब यहां पे मैं देता हूं उदय, नीरज, मोहन, ठीक है? ओके सर।
लेकिन इसमें दिक्कत हो सकती है सर। इसमें दिक्कत क्या होगा? ब्लैंक छोड़ के लिखेंगे तब। हाँ, यहाँ पे अगर मैं एक ओम लिख के एंटर मारू तो यहाँ वापस वन से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बेनिफिट हुआ, अगर इस चीज एक्सेल में करते ना तो यहाँ पे एरर देता या फिर से वापस एक्सेस चालू कर दिया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके सर। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा? नेक्स्ट फॉर्मूला नहीं, मैक्स का फॉर्मूला। जी हाँ, हम देखेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मैक्स। देखिए मैक्स में ऐसे नहीं देंगे सर, हम ए सिर्फ इसको सेलेक्ट करके बी टू से बी टू इस तरह से देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं यहाँ ओके सर, सॉरी सी टू होगा, यहाँ पे दिक्कत हो गई। हमने यहाँ दिया इफ अगर ए ग्रेटर देन जीरो देन, हमने ऊपर सेलेक्ट किया मैक्स, सी टू से सी टू प्लस वन। ठीक है, ओके सर। और यहाँ पे ब्लैंक दे देते हैं। सी टू नहीं होगा, सी वन से सी वन ही होगा इसमें, और पहले सी वन को की तरह पहले सी वन पे हम डॉलर का साइन लगाते हैं, दूसरा सी वन छोड़ देते हैं, डॉलर का साइन इस पे नहीं लगाते। मैं इसको ड्रैग करता हूं, ऐसे इंटर मारने को नहीं दिया। ठीक है सर, यहां टेन क्लियर है? ओके सर। तो इफ समझ में आ गया सर आपको? हाँ सर, हाँ सर। हेलो, हाँ सर, ओके सर। तो
इफ की फॉर्मूला इसी तरह से आप लगा सकते हैं। अब इसमें बारी आती है कि जब मल्टीपल कंडीशन होगा तब क्या करेंगे, जैसे कि सेल्स में हम यहाँ पे कुछ देते हैं, आई थिंक आपको जैसे एक्सेल में इफ लगता है ना सर, ऐसे यहां भी इफ लगता है। तो नॉर्मली है ऐसे ही आपको अगर एक मिनट इस पे नंबर फॉर्मेट करना था ना, नंबर लिख देता हूं। मुझे अब इस नंबर के बीच में एंड का लगाना है कि एंड कैसे लगेगा। तो जैसे कि यहां पे मैं चाहता हूं कि 85 to 95 रहेगा, तो इसमें आपका ये आना चाहिए, क्या बोलते हैं, एक 800 या जो भी रिजल्ट हम चाहते हैं रिजल्ट आना चाहिए। तो यहां हम में एंड का यूज करेंगे, एंड यहां इस तरह से, और फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है, उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे लेस देन इक्वल टू 95 है। ऐसा हुआ तो 800 आए, अदरवाइज 0 है। तो गूगल से जैसे एक्सेल में हमारा होता था उस तरह से यहां भी एंड का और ऐसे ही और का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सर। फंक्शन के लॉजिकल कैटेगरी में आप जाएंगे तो लॉजिकल कैटेगरी में इसके अलावा भी कुछ है, जैसे कि हमने आपको बोला एंड जैसे एक्सेल में था वैसे ही है, इफ भी वही है और भी आपका वही है। ओके सर। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूला है जो कि एक्सेल में नहीं है। नॉर्मल जैसे कि स्विच आपका 2019 में है लेकिन उसे लोअर वर्जन में नहीं है, IFS भी सेम ऐसे ही लोअर वर्जन में नहीं है, समझे। तो चलिए इसको समझते हैं। Okay, अब यहां पे okay, आपका बिट एंड, तो बिट एंड का फॉर्मूला क्या है चीज को देखिए। आप यहां पे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपने 9 और 5 को सिलेक्ट किया, ठीक है। Okay, तो जैसे कि मैंने यहां पे सिलेक्ट किया 10 को और सेलेक्ट किया 10 को और सेलेक्ट किया 85 को 20 को, तो रिजल्ट यहां 0 आ रहा इसने 20 दिया है। अब इसको समझना है, हमने दिया था 85 एंड 20 आया, तो आखिर 20 है क्या इसको समझना है। तो पहले उससे पहले मैं यहां पे बिट एंड फॉर्मूले को समझते हैं। बिट एंड फॉर्मूला क्या करता है, ये है आपका बिट वाइज एंड। इसमें ये आपका जो है 9 और 5 है, इसमें समरी आता है कि बिट वाइज बुलियन एंड एंड टू रिटर्न नंबर, ठीक है। तो जैसे कि हम को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 95, और वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला लेस देन इक्वल टू 85, रिजल्ट 0 आया। एक मिनट, मैं यहां उल्टा कर दिया, मैंने 95 यहाँ पे 95 करता हूँ, रिजल्ट 0। अगर मैं इसके इसमें 86 कर देता हूँ तो 1 आया, यहाँ पे 87 कर दूंगा तो भी 1 है, 88 तो भी 1 है, और यहाँ पे अगर मैं 95 कर दूं
टू बी वन, 96 किया तो जीरो। तो जैसे कि आप जो दो कंडीशन दिए हैं, अगर नंबर उन दो वो दो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होते हैं तो रिजल्ट आपका वन में आता है, अगर कंडीशन होता है तो जीरो आता है। ठीक है सर? ओके सर, इसके बारे में अधिक जानकारी तो इसके हेल्प पे जा सकते हैं। तो बिट एंड का यूज इसके लिए होता है। अब यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे इसको बारे एक अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि ये इसका गूगल का हेल्प बहुत अच्छा है। ठीक है सर? हाँ सर। अब यहाँ भी देखिए, ए और बी, कॉलम ए में 0011, कॉलम बी में 0101, और बिट एंड जो है 00 हुआ तो 0010, 10111 ट्रू। मतलब आप ये हुआ, ये आप जीरो मतलब समझ लीजिए फॉल्स और वन मतलब ट्रू। अगर फॉल्स फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू है तो ट्रू आएगा, ट्रू फॉल्स है तो ऑल्सो नहीं, फॉल्स ट्रू है तो फॉल्स आएगा और ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। ये ट्रू ट्रू पे वन होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा सर। हाँ सर, तो वही मैथमेटिक्स में है सर। अब इसमें देखिए क्या है कि हमने यहाँ पे नंबर दे दिया 10 और 9, रिजल्ट 8 आया है। तो ये 8 कैसे आया, ये देखिए कि 10 इन द डेसिमल 1010 इन द बाइनरी फॉर्मेट में, 9 इन द डेसिमल 1001, समझे? हाँ सर, तो प्लस माइनस ही करता है मगर बाइनरी में, 100 इन द बाइनरी डेसिमल 8 में, दैट बाइनरी में इसको कन्वर्ट करता है, बाइनरी में प्लस माइनस करता है। हाँ, जैसे कि हाँ बाइनरी में प्लस माइनस करता है, जैसे कि ये आपका 10 जो था 1010 था और आपका 9 जो है 0001 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, 1 and 1 = 1, 0001 00 एंड ऑल्सो 0010। यही चीजें समझा रहा है। 1000 का बाइनरी नंबर 1000 हो तो इसमें डेसिमल में 8 होता है। यहाँ पे देखिए यही चीज यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है कि 0001 0 1 0 0 1 1 0, तो देखिए 1 and 1 0 हो गया, 00 यहाँ पे देखिए 0 0 0 होता है तो 0 0 0 हुआ, 1 0 0 होता है तो यहाँ भी 1 और 0 है तो 0 हुआ। तो सर 1 0 0 ऑल्सो 0 1 0, तो इसलिए 1 0 0 इसका रिजल्ट है। इसको जब इसने कन्वर्ट किया तो रिजल्ट 8 आया डेसिमल्स में। तो बिट एंड का मतलब है, बिट मतलब बाइनरी, बाइनरी एंड पे इसको मैच करता है। ओके सर, समझ गए? ओके सर, इसका यूज क्या होगा सर? यूज होता है जैसे कि बाइनरी मेथड पे हमें देखना होता है, वहां पे बहुत सारे ऐसी कैलकुलेशंस है जो कि बाइनरी मेथड पे होती है, जैसे कि पासवर्ड डेटा इनक्रिप्टिंग, पासवर्ड लगाना है ऐसा कुछ, जैसे कि तो हाँ पासवर्ड लगाना। तो जैसे आपने पासवर्ड लगाया 1000, तो उसने आपको यहाँ पे 8 भेज दिया कि 8। ओके, आपको इसने भेज दिया कि पासवर्ड क्या है, तो उसने भेज दिया आपको यहाँ से भेज दिया कि आपका 10.9, समझ गए? हाँ सर। 10.9 मतलब क्या हुआ, तो आपको यहाँ पे बिट एंड में कन्वर्ट करके फिर होगा। ऐसे और भी इसकी प्रोसेसिंग होती है जहाँ पे एनालिसिस वगैरह होता है, इस तरह के लैंग्वेजेस में उसका यूज किया जाता है। ओके सर, आप इसमें आगे अगर हम इंसर्ट में आते हैं फंक्शन में लॉजिकल, तो जैसे बिट एंड था ऐसे आपका बिल्ट शिफ्ट है, बिट और भी वैसे ही होगा। बिट और में क्या होगा, देखिए बिट और में जो होगा ये है, तो बिट और में बिट और क्या होता है, देखिए कि अगर 00 हुआ तो 0 होगा, अदरवाइज 1 होगा, कोई एक भी ट्रू हुआ तो 1 होगा।
उल्टा उससे उल्टा, इसमें इसमें क्या होगा, वन 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 जीरो जीरो, यहाँ पे जीरो आएगा, फिर वन जीरो वन वन जीरो, तो वन जीरो वन वन इसका रिजल्ट आएगा, समझे? अगर ओके सर, यहाँ पे दू दस नौ तो रिजल्ट 14 आया ना, क्योंकि 1011 का रिजल्ट 14 होता है, बाइनरी फॉर्मेट 14 होता है। इसके लिए आपका और इसी तरह से वर्क करता है। लेकिन इसके अलावा और के अलावा यहाँ पे एक और था बिल्ट शिफ्ट। चलिए बिल्ट शिफ्ट को समझते हैं कि बिल्ट शिफ्ट लॉजिकल में क्या होता है। तो इसमें आपका वैल्यू है और शिफ्ट अमाउंट है, जैसे 9.2 है, जैसे 9.2 करते हो इसका रिजल्ट 36 होगा, और मैं अगर 10.2 करता हूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 5.3 करता हूं तो 40। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मैं 10.2 करता हूं तो क्या होगा पता है, 40 कैसे आया, आया 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40। ओके सर, शिफ्ट अमाउंट होता है आपका दो करना है। यहाँ पे अगर इसका रिजल्ट है, समझे? हाँ सर, तो ये आपका ये करता है। अगर इसलिए ऐसा मान लीजिए मैं 9.2 करता हूँ तो 36 आता है ना, हाँ 1.2 कर दिया तो 4 आ गया, तो 3 करो तो 8, 3 बार हो जाएगा ना। हाँ सर, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई 1 का नेक्स्ट 2 होगा, 2 से 4 बनेगा और 4 से फिर 8 बनेगा, 3 बार आ गया। ओके, और यहां फंक्शन पे जाएंगे हम, लॉजिकल लॉजिकल बिल्ड शिफ्ट का और हो गया। अब यहाँ पे आता है ये आपका लेफ्ट मोस्ट में चलता है, ये आपका राइट मोस्ट है, एक आपका बिल्ड आर शिफ्ट है। तो बिल्ड आर शिफ्ट को समझिए क्या करता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कि 9.2 कर लिया, रिजल्ट 2 आया, ये नीचे की तरफ चलता है। जैसे मान लीजिए 18.2 करूंगा तो आपका 4 आएगा। बिल्ट एल शिफ्ट जो करता था उसी के आगे करता है, ठीक है सर? वो ओके सर, राइट से चलता है और लेफ्ट से चलता था सर। ओके सर, राइट बिट्स लेफ्ट आर फिल्ड विद जीरो, 8.2 है तो 2 आएगा, 2 से स्टार्ट हुआ था ना सर, इसलिए। हाँ सर, कि लेफ्ट का जो इसका जो इनपुट है आपका, जो 18 ये जो आपका फर्स्ट, जो राइट का जो फर्स्ट होगा वो आपका एल शिफ्ट का, बिट एल शिफ्ट का रिजल्ट होगा। देखिए इसका खास यूज हमें नहीं समझ में आ रहा है कि खास यूज क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कभी आपकी जरूरत पड़ गई इस तरह की कैलकुलेशंस करने में, जैसे बहुत सारे केमिकल वगैरह की कैलकुलेशन जो होती है उसमें यूज होता है। अब आपको एक्स और पता है, एक्स और क्या होता है? नो सर। चलिए एक्स और के बारे में जानते हैं। तो एक्स और कहता है कि मैं, मेरे पास जितने भी कंडीशन आप दोगे वो सारे कंडीशन ट्रू नहीं होने चाहिए और सारे फॉल्स नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहां पे मान लीजिए सिटी दे दिया, आपको सिटी चूज करना है,
तो दिल्ली पुणे। यहाँ पे स्टेटस शो करना है कि उन्होंने राइट अच्छा फिल किया है कि नहीं किया। क्वेश्चन ये है कि आप दिल्ली पुणे में से कोई एक कर सकते हो। अगर आपने दिल्ली को कर लिया तो पुणे आपको चूज नहीं करना है। अगर आपने दोनों चूज कर लिया तो आपका स्टेटस पेंडिंग आएगा क्योंकि आपका राइट चूज नहीं था, क्योंकि आप ट्रांसफर ले, मान लीजिए आप ट्रांसफर ले रहे हैं तो ट्रांसफर में आप कोई एक ही सिटी को ले सकते हैं, आप दो सिटी में काम तो नहीं करेंगे। हाँ सर, ये एंड की तरह जो जैसे एंड और है उस तरह। एंड और नहीं, एंड और में हुआ कि एंड में सारे होने चाहिए और में कोई एक होना चाहिए। अभी बोल ये एंड मतलब कि इसको बोल रहा है कि मुझे सारे नहीं चाहिए, कोई एक चाहिए। मतलब कि अगर किसी ने एंड का फीचर लगा दिया या और एंड का फीचर, और का फीचर तो ही चलेगा और जैसा ही है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि एंड का फीचर अप्लाई नहीं। आपको आईडी प्रूफ के लिए बोला भाई एक आईडी प्रूफ आपको देना है तो आपको एक ही आईडी प्रूफ देना है, आप दो नहीं दे सकते या सारे नहीं। समझ गए? हाँ सर। जी यहाँ पे समझिए ना कि आप एक फॉर्म भरवा रहे हो और आप इसका यूज हमने एक्सेल भी किया था डेटा वैलिडेशन में। तो डेटा वैलिडेशन में क्या था कि एक दो मतलब कि दो कॉलम में एंट्री था, दो कॉलम में एंट्री था। क्वेश्चन था कि अगर किसी कोई एक कॉलम में एंट्री कर देता है तो बाकी कॉलम में एंट्री नहीं होनी चाहिए। दो नहीं दो से ज्यादा, चार पांच कॉलम थे, चार पांच कॉलम ये था कि वो किसी एक ही कॉलम में एंट्री कर सकता है, किसी भी एक कॉलम में। तो वहां पर हमने इस एक्स और का यूज किया था। अब यहाँ पे एक से ज्यादा भी कर सकते हो, दो से ज्यादा भी कर सकते हो। एक्स यहाँ पे एक्स और एक्स और में हमने इसको सेलेक्ट किया और इक्वल टू वाई, और वापस इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई। रिजल्ट आपका फॉल्स आया क्योंकि दोनों में वाई है, इसमें एन कर दूंगा तो ट्रू होगा, अगर मैं दोनों में एन कर दिया तो भी फॉल्स आएगा, मैं वाई कर देता हूं तो ट्रू होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक वाई और कोई एक एन होना चाहिए, दोनों एन नहीं चाहिए, दोनों वाई नहीं चाहिए। समझ गया सर? हाँ सर। क्लियर है? हाँ क्लियर सर। ये आपका एक्स और था। यहाँ लॉजिकल फंक्शन में आप आते हैं, तो लॉजिकल फंक्शन में ये बिट और, जैसे आपका बिट एंड था, बिट और था, ऐसे आपका बिट एक्स और है। ठीक है ना? ओके सर। रेफरेंस देने के लिए चलिए इसमें आगे बढ़े। हाँ सर। अब इसमें इंसर्ट में लॉजिकल में हम आते हैं। फॉल्स जस्ट फॉल्स यूज करता है। अब इसमें एक नया फॉर्मूला है आपका जी स्टेप रिटर्न 0 to 1 डिपेंडिंग योर इनपुट्स। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि 5 और 2 है आपका, 5, 2 1 आया, तो ये चीज को जानना है कि स्टेप किस स्टेप जो है, बाकी होता क्या है एक बार समझते हैं। क्योंकि इसको मैंने पहले यूज कभी किया तो मैं जुड़ के मैं प्लीज पहला आता है। देखिए इसका इतना पता है कि रिजल्ट 0 या 1 होगा। -0
compare the two numerical value, return the one if they are equal. डेल्टा वो तो डेल्टा है, डेल्टा का अकॉर्डिंग होता है। अच्छा इसका स्टेप में वन स्टेप क्यों आया, वन मल्टी वन प्लस थ्री, प्लस तो चलेगा नहीं। If rate is strictly greater than or equal to the previous step, then zero. Otherwise, no step value is provided, then default zero will be used. Three, one. मैं टेन देता हूँ, टेन कॉमा टू करूंगा तो वन आ रहा है, वन करूंगा फाइव किया तो वन, फिफ्टीन किया तो जीरो, ग्रेटर देन इसलिए ओके, थ्री किया तो वन, फाइव किया तो वन, लेकिन फाइव कॉमा टू में भी वन आ रहा है। अच्छा वन दिन तो आएगा ही ना। देखिए इसमें क्या है सर कि दो इंट्री है, दो इंट्री है, जैसे कि मैंने आपने दस दिया और पांच दिया, ठीक है ना। तो एक आता है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू प्रोवाइडेड स्टेप वैल्यू, मतलब कि जो आप नंबर दो नंबर दे रहे हो, अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो रिजल्ट वन आएगा, छोटा है तो रिजल्ट जीरो आएगा। जैसे कि दस और पांच दे रहे हैं तो वन आ रहा है, छह भी देंगे तो वन आएगा, सात देंगे फिर भी वन आएगा, आठ देंगे फिर भी वन, नौ देंगे फिर भी वन आएगा, दस देंगे फिर भी वन आएगा, क्योंकि इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है। जैसे मैं इलेवन दूंगा तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, जीरो समझ गया। अगर जीरो दिया तो डिफॉल्ट जीरो समझेगा, अगर आपने माइनस में दिया तो भी आपको वही होगा। तो माइनस और प्लस दोनों में चलता है जी स्टेप। तो आप कंपेयर कर, मतलब दो वैल्यू के अंदर कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, डेल्टा एक डेल्टा फंक्शन होता है इसमें, उसके तरह जैसे कंपेयर द टू न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न द जीरो, दे आर इक्वल। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे टेन दिया और यहाँ पे ट्वेंटी दिया और मैं यहाँ पे इक्वल यूज करता हूँ डेल्टा, न्यूमेरिक वन कॉमा न्यूमेरिक टू, तो रिजल्ट जीरो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर नहीं है, वन आया दोनों आपस में बराबर है। इसमें क्या है जी सेट में क्या है कि दोनों की वैल्यू अगर बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब कि पहले वैल्यू दूसरे वैल्यू से बड़ा है या बराबर है, तो रिजल्ट आपका वन आएगा या जीरो आएगा। ओके सर बनाया, लेकिन इसका यूज हम इस पे सिंपली ये भी कर सकते हैं कि दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ये ले लें तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। जहां पे मान लो कि कहीं पे ट्रू एंड फॉल्स आपको नहीं शो करना है वहां पे हम इसको शो करेंगे, क्योंकि लॉजिकल इक्वेशन ट्रू एंड फॉल्स देगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें ट्रू एंड फॉल्स नहीं लेने होते हैं। हेलो ओके सर, तो जी स्टेप इसका यूज होता है। उसके बाद हम इसमें इंसर्ट फंक्शन में आते हैं लॉजिकल, उसके बाद इफ तो ही पता, इफ एरर पता है आपको? हाँ सर, हाँ सर, इफ एन ए वो नहीं पता, वो एन ए का एरर वो नहीं पता, किसी भी तरह का एरर आएगा तो आप आइडेंटिफाई करके जगह पे दे देगा, इफ एन ए रिजल्ट को आइडेंटिफाई करेगा।
ओके सर, समझ में आया, बता दूं? हाँ सर, हाँ सर, आ गया समझ में। ओके, अब आता है इफ, आई एफ एस इफ, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है, जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती है, जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूं, चलिए मैं एक अटेंडेंस सिस्टम को, सॉरी अटेंडेंस नहीं, इंसेंटिव को, एक इंसेंटिव यहां पे तैयार करता हूं, सेल्स और मुझे आईएनसी इंसेंटिव देना है। तो इसका रूल क्या है, रूल ये है कि अगर 50 सॉरी लेस देन 40 हुआ तो 500, 4200 हुआ, 100 नहीं 80 कर देता हूँ, 80 नहीं 60, 80 कर देता हूँ सही रहेगा, 80 1000 81 टू आपका 100 हुआ तो 2000 और ग्रेटर देन 100 हुआ तो 5000। तो यहां पे कंडीशन देंगे इफ, नॉर्मली हम बताते हैं कि इफ अगर लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो मैं यहां पे 500 दूंगा, फिर वापस इसमें हम इफ लगाएंगे और बोलेंगे कि अगर ए लेस देन इक्वल हुआ तो ए लेस देन इक्वल 80 हुआ तो 2000, वापस इफ बोला अगर लेस देन इक्वल टू 100 हुआ तो यहाँ पे 2000 होगा, यहाँ पे 1000 होगा, अदरवाइज 5000। तो ये हमने कई सारे इफ्स लगाए। अब यहाँ पे आईएफएस क्या करेगा, इसी को हमने इसको सेलेक्ट किया, देखिए आईएफएस में आपको सिर्फ कंडीशन देना है कि अगर ए इक्वल टू 40 हुआ तो यहां पे 500, यहां पे मुझे इफ नहीं लगाना है, अगर लेस डायरेक्ट कर दीजिए 30 हुआ तो 1000, अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 हुआ तो 1000, अदरवाइज 5000। अगर ए ग्रेटर देन 1000 100 तो 5000। FS K2 is get less than 40, 500 K2 80 to 1000, 100 to 2000 K2 get to 5000. ये तो है। वैल्यू कॉमा में डालनी है सर, तो न्यूमेरिक वैल्यू तो कॉमा में नहीं आएगी ना, कॉमा गाने सही तो है। ए यहां देखिए ए वन ग्रेटर देन 90 देन ए कॉमा ग्रेटर देन 80 तो बी, सही तो है, इसमें कोई कॉमा वगैरह छूट जाए। आई एफ एस के टू इज ग्रेटर देन लेस देन टू 40 तो 500, स्पेस छोड़ दी है, स्पेस 1000। अच्छा हाँ, यहाँ पे कॉमा देना भूल गया है, ठीक है, कॉमा भूल गया था सर। अब कर लीजिए कि आपको ए फॉर्मूला जिसमें कई सारे इफ लगे हैं वो चाहिए या सिर्फ एक इफ चाहिए, तो आईएफएस इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2019 में ए फॉर्मूला भी है आईएफएस का। ओके सर, ठीक है, ओके सर। अब इसमें आगे चलते हैं इंसर्ट में, इसके बाद अगला फंक्शन जो है उस पर चलते हैं। तो क्या नॉट मतलब कि ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू अपोजिट कर देता है। ओके सर, और फॉल्स सिर्फ फॉल्स शो करेगा,
तो टू शो करेगा, एक्स और बता ही दिया आपको, इसमें आपका स्विच का फॉर्मूला आएगा। क्या स्विच, अब स्विच को देखिए क्या है, स्विच से पहले आपको चूज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां पे मंथ का दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे यहां पे नेम दे दिया, तो मुझे जैन कब चाहिए, तो मैं यहां पे चूज का फॉर्मूला लगाऊंगा। चूज हमने इंडेक्स नंबर को चूज किया और यहां पे वन बाय वन मंथ देना शुरू कर देंगे। अगर C20 शो में अगर वन हुआ तो जैन शो करेगा, हुआ तो फैब शो करेगा, फैब शो करेगा, थ्री हुआ तो मार्च शो करेगा या अप्रैल शो करेगा। चूज पता है ना सर आपको कि नहीं? हाँ पता है सर। तो इसमें इसमें दिक्कत क्या है सर, चूज में दिक्कत क्या होती है? आपका नंबर जो है सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं वन को जैन दू, फाइव को फाइव दू, सेवन को मार्च दू, ऐसे नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे सिटी कोड है, मैं 1-1 हो तो दिल्ली हो, 2-2 हो तो मुंबई हो, 3-3 हो तो कोलकाता हो, 4-4 हो तो चेन्नई हो, इसके लिए हम चूज तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि सिक्वेंस चाहिए उसको, इंडेक्स नंबर से कहा गया है। और यहां पर हम खाए तो इफ का इस्तेमाल करेंगे, नेस्टेड इफ का, तो यहां पे आपका स्विच फॉर्मूला वर्क करेगा। इसको सिलेक्ट किया हमने, बोला अगर ये वन है, केस वन है तो यहां पे आना चाहिए दिल्ली, वन है वन वन ग्यारह ना सर, कॉमा 2-2 है मुंबई, थ्री है तो कोलकाता, 4-4 है ओके सर, ये ना सर, हाँ सर, ये आपका। तो आज की इस क्लास में हमने आपके साथ एक कैटेगरी का फंक्शन खत्म किया, वो था हमारा लॉजिकल। ओके सर, लॉजिकल कैटेगरी हमने आपको खत्म कर दिया। जैसे कि आप बोल रहे थे सर इसमें एक्सेल के फॉर्मूले तो आते ही हैं, तो इसमें कुछ नए फॉर्मूले थे जैसे जीएस टैब था, बाकी तो कुछ खास नहीं था इसमें, लेकिन इसमें जैसे कि आपका आईएफएस है, आपका स्विच है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था जो कि यूज होता है। ओके सर, ठीक है ना, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कल की कैटेगरी में हम बात करेंगे टेक्स्ट, कल की क्लास में टेक्स्ट फॉर्मूला की, और टेक्स्ट फॉर्मूला जो है उनके बारे में, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले नए हैं तो उनके बारे में हम, जैसे ज्वाइन फॉर्मूला आपके लिए नया है, ऐसे आपका कॉन्केट फॉर्मूला भी नया है, एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट एक्सेल भी है, और ये बाकी फॉर्मूले सब नया है, रिप्लेस बी, रिप्लेस तो एक्सेल में है बट रिप्लेस बी आपका नया फॉर्मूला है, ठीक है ना, सर्च बी, स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन, नए फॉर्मूले हैं, इन सबों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। सर एक क्वेरी है वो भी